अस्सलाम वालेकुम एल एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब? मिला कि सब ठीक ठाक होंगे? बिल्कुल कैसे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जनाब ASMR चैनल। मैंने सुबह सुबह ना पहले बादल देख लो, ठीक है? अभी बादल आ रहे हैं और वैसे बारिश बताई है। पहले सुबह सुबह नहीं था, मौसम साफ था। मैंने कहा कि चलो टेक्सचर यहाँ से उठाऊँ, जगह थोड़ी नीट हो जाए, मतलब कि ड्राई हो जाए, तो फिर मैं टेक्सचर रखती हूँ। और धूप लगी रही है ना, तो थोड़ा बहुत हो गया। यहाँ पर भी टेक्सचर निकाल के रखा, वहाँ पर भी रखा, ये सारा ब्लैक सैंड निकाल के रखा। ये देखो, ये भी ड्राई है, ये भी ड्राई है, काफ़ी हद तक हो गया, ये भी काफ़ी हद तक ड्राई है। और आगे भी टेक्सचर जाना, मैंने फ्लोर पे निकाल के रखे हैं, बट अभी बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं टेक्सचर समेटती हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं मिल्कशेक पीने लगी थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं साथ ही छत पर जाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और साथ साथ जो काम है ना क्लिनिंग व्लॉग आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन मैं दवा पहले अब टेक्सचर समेटूँ, समेटने के बाद देन आपसे मिलती हूँ। स्टे कनेक्ट विद मी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। यहाँ पे देखो जनाब, होने लगी है स्टार्ट छोटी छोटी बारिश। और ये वाला टेक्सचर बस मैंने नहीं समेटा, बाकी सारा समेट लिया, ठीक है? और यहाँ पे ना, तो मैं यहाँ पे जो है ना इसकी क्रमलिंग कर देती हूँ, ठीक है? और फिर इसको भी कवर कर देते हैं। ये सारा का सारा मैंने टेक्सचर देखो एक पूरा टब है जो इसमें डाल दिया, बाकी ये वाला टब भी जो है ना हम लोगों ने अभी सेपरेट करना है। ओह, ये वाला टेक्सचर भी टब में डालना है। मुझे फ़ोन कॉल आई जा रही है, ऊपर से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। चलो मैं कॉल सुन लूँ, फिर मैं मिलती हूँ। जनाब अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ, ठीक है? और अब हो गई है शाम, ठीक है? बारिश जो है ना नहीं, और शीट्स जो है ना मैं सोच रही हूँ उठा दूँ हल्की हल्की, ठीक है? ताकि हवा और लग जाए टेक्सचर्स को। ये देखो थोड़ी थोड़ी बारिश आई थी और उसके बाद नहीं आई। और बाकी अब मैंने यहाँ से एरिया जो है ना वो क्लियर करना है इस टाइम पे। इधर ना ब्रिक रख देती हूँ एक। चलो अब ज़रा ना हवा लगेगी इनको। इधर भी ज़रा है था, वाह वही मामला सीधे पत्रे किए मैंने आज जिन छतों के यहाँ से। सुबह बारिश बताइए भाई, सुबह यकीनन बारिश होगी। आज हुई है जी हमारी दूसरी साइड पे, जो हमारा पुराना घर है उस साइड पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन हमारी वाली साइड पे नहीं हुई, तो सुबह यकीनन इधर होगी। मैं आई हूँ जी क्रमलिंग करने, क्रमलिंग करके देन फिर मैं आप लोगों के लिए जो है ना अच्छा सा एक ब्लॉग, ओ बाकी का ना टेक्सचर भी समेट लूँगी। इसको मैंने उठा दिया अभी, और इसको भी नहीं करते अनकवर्ड, लेकिन ट्राईपॉड पे लगाते हैं फ़ोन को। और जो जो टेक्सचर ड्राई हुए हैं ना उनकी क्रमलिंग कर देते हैं, ताकि जब शेप्स बनाओ तो फिर एक साथ ही बन जाए, ठीक है? यहाँ पर आ जाओ। ये जो टेक्सचर है ना, ये आपको जो फ्लोर पे नज़र आ रहा है, ये टेक्सचर है इसका, ठीक है? ये हमारा ब्लैक ग्रेनी टेक्सचर, ब्लैक ग्रेनी सैंड। एक मिनट ट्राईपॉड को ना एडजस्ट कर लूँ। अब इधर से मैं ड्राई चंक्स उठा रही हूँ, अच्छा। अब जितनी दिन बारिशें हैं ना, मैं न्यू वीडियोस जो हैं वो बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने क्या सोचा है कि मेरे पास जो व्लॉग्स हैं ना, जो मतलब कि ट्रेंडिंग व्लॉग्स हैं या अच्छे व्लॉग्स हैं या व्लॉग पे जिनमें ज़्यादा क्रमलिंग हुई है, तो मैं उनके पार्ट्स एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपको बोरियत भी ना और देखने को भी मज़ा आए। कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है? और आप लोग कहते हो ना पिछली वर्क प्लेस की वीडियोस अपलोड करो, यार उसकी साउंड क्वालिटी और जो उसकी कैमरा क्वालिटी है ना वो नहीं अच्छी, और फिर वो ना बेशक जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी हाई पिक्चर क्वालिटी करके आप लोग डाउनलोड करके अपलोड कर दो, लेकिन नहीं होगी। अब
अब तो अंधेरा होने वाला है। बस ये बच्चे कुछ जो टेक्सचर्ड हमारे ड्राई हैं ये ही हैं। बस क्रमलिंग करते हैं इसमें जो यहाँ पे ड्राई टेक्सचर है हमारे पास। यहाँ पे वेट भी है ड्राई भी है। अच्छा वहाँ ये वाला जो टेक्सचर है ना हम यहाँ के दाई जगह से मिट्टी है और इसमें डाल दिया है, और उसके अलावा जो हमारी सैंड सीमेंट वाला टेक्सचर है ना वो यहाँ पे है। तो ये डैम टेक्सचर ही है लेकिन क्रमलिंग कर देती हूँ इसकी भी। भाई अंधेरा हो गया इसलिए कैमरा क्वालिटी भी जो है ना डल हो गई है। यहाँ पे देखो ये डर्ट वाला टेक्सचर है जो कि पूरी छत की जो डर्ट सेक्शन से डर्ट इकट्ठी हुई थी ना यहाँ पे वो है। इसको उठा के किसी क्ले पॉट में डाल दूंगी। ये तो छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है। होप सो कि आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी नाल कमेंट करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और मैंने देखा है कि आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम हो गए हैं, सिर्फ इसी वजह से आप लोग कमेंट्स नहीं करते कि शायद मैं आंस नहीं देती, लेकिन मैं रीड करती हूँ, ठीक है। हर किसी के कमेंट का आंस मुझे ये होता है कि मैं प्रॉपर जो है ना टाइम दूँ सबके कमेंट्स रीड करके उनको रिप्लाई दूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से मेरी वीडियोस के चक्करों में ना और काम के चक्करों में मेरा काम रह जाता है। तो आप लोग काइंडली जो है ना ये चीज़ ना सोचा करें और कमेंट किया करें। लव यू ऑल, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज जो है ना बर्थडे है सुपर्णा मालाकार, उसके बाद है जी ये अतिया और उसके अलावा और कौन है जी, हाँ बरीरा। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ आपके नसीब में लिखी जाएँ। आमीन सुम आमीन। तीनों को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। वीडियो एक थी जिसकी वजह से फिर मैं एक वीडियो पे तीनों को मेंशन कर दिया। लव यू ऑल। यहाँ पे ये स्टोनी रेडेड का टेक्सचर डाल दिया, बाकी यहाँ पर शेप्स के अंदर टेक्सचर डाला है और यहाँ पर भी शेप्स के अंदर टेक्सचर डाला है। सो ये है जी सूरत हाल फिलहाल। तो व्लॉग को कर देते हैं एंड। Love you all, stay blessed, stay happy, Allah Hafiz, fi amanillah, bye bye.